द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साई वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। पर उसी ने मारी ना गोली तुझे? जबलपुर में MBA छात्रा की जान लेने वाले BJP नेता के खिलाफ पुलिस अब मर्डर का मामला दर्ज करेगी। इसके पहले पुलिस ने उसके खिलाफ मर्डर के प्रयास के मामले में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि बीते 16 जून को BJP नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने अपने दफ्तर में छात्रा वेदिका ठाकुर पर प्रियांश ने फायर कर दिया था। गोली उसके पेट में लगी थी और इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। वह शातिर था कि उसने अपने ऑफिस से CCTV का DVR गायब कर दिया था और खून के धब्बे भी मिटा दिए थे। वहीं वेदिका का इलाज बीते 10 दिनों से अस्पताल में चल रहा था। हाल ही में 2 दिन पहले वेदिका ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा कि आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा धनवंतरी इलाके में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रेत का कारोबार करता है। ये दुखद समाचार हमें निजी अस्पताल से प्राप्त हुआ है। इस पर से हमने PM करवाया हुआ है और बॉडी में जो बुलेट फंसा हुआ था उसको डॉक्टर से जब्त किया है और इसको हम मिलान के लिए जिस फायर आर्म से चला है FSL में बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजेंगे और धारा 302 IPC इसमें बढ़ाई जाएगी जो कि हत्या की होती है। और विशेष बात ये है, इस केस को सनसनीखेज के मामलों में रखा जाएगा जो चिन्हित प्रकरण होते हैं, यानी जो चिन्हित मामले हैं इन चिन्हित मामलों में पुलिस के जो पर्यवेक्षक अधिकारी होते हैं और प्रोसिक्यूशन विंग होती है स्पेशली इसको मॉनिटर करती है। यानी जब वो कोई प्रकरण चिन्हित हो जाता है तो सबकी निगाहें हमारे हम लोगों का ये रहता है कि उसमें पर्याप्त अच्छे से एविडेंस कलेक्शन हो ताकि वो कोर्ट में रखा जा सके और साथ ही जब वो कोर्ट में केस जाता है तो प्रोसिक्यूशन के द्वारा भी उसको मॉनिटर किया जाता है जब भी कोई होती है ताकि उसको आरोपी को सजा हो सके। तो मुख्य बात ये है कि संबंधित धाराओं में 302 IPC इसमें अट्रैक्ट होती है और इसको चिन्हित में हम लोग रख रहे हैं। सर, इसकी मुख्य वजह क्या है? अब बहुत मुख्य वजह अभी भी जांच का विषय है और इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें कई चीज़ें, कई एंगल आ रहे हैं, कई एंगल मतलब छोटे छोटे कि जो एक तो घायल ने बताया कि ऐसा था, दूसरा आरोपी ने बताया कि ऐसा था, दूसरा और कोई भी कुछ बता रहा है, तो सच्चाई को थोड़ा सा समय दीजिए जी। मामला इन्वेस्टिगेशन में जो प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा हमारी भतीजी को गोली मारी गई थी दिनांक 16 तारीख को, आज सुबह उसका वो शांत हो गई है, ये खबर है। इलाज तो चल रहा था, सीधी है, उसने गोली मारी। अब भगवान ने इतने दिन का उसका हमारे साथ साथ दिया था, पर बहुत दुखद है हमारे पूरे परिवार के लिए और हम यही चाहेंगे प्रियांश विश्वकर्मा को इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और प्रशासन ने भी हमारा सहयोग किया, सबने सहयोग किया, डॉक्टरों ने भी अपनी पूरी कोशिश की और भगवान के साथ यही मंजूर था। 2 बजे मुझे प्रियांश विश्वकर्मा जो हैं, जो जिनको गोली लगी उनके दोस्त जो पहले उनके साथ में ही थे, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि वेदिका की तबीयत ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए। जब मैं वहाँ पहुँची तब मुझे बताया गया कि उनको गोली लग गई है धोखे से, जो कि बताया मतलब उन्होंने बताया कि जो गोली वो खुद ही चला रही थी जिसकी वजह से उनको लगी हुई है ये, और इसके अलावा और तो कोई जानकारी मुझे नहीं है। फिर वहाँ से सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर हमको लाया गया उनको शाम को 6 बजे। ये घटना 2 बजे के पहले की है, मुझे 2 बजे पता चला। पुलिस को सूचना मुझे मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जब सबको घर वालों को फ़ोन किया तब उन्होंने शायद समथिंग 6 बजे करीब किए पुलिस को। ये प्रियांश विश्वकर्मा कौन है जिनके यहाँ ये काम करती थी? जी नहीं, ये इनके फ्रेंड हैं, फ्रेंड थे, हमेशा साथ में रहते थे। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है
होटल द ग्रैंड पैलेस साई वाटिका के पास भोपाल रोड सागर मध्य प्रदेश।